अपनी जात से निकलकर सोचोगे ना तो तुम्हें वो सियार रात याद आएगी जब हमारे पास सर छुपाने की जगह नहीं और बेरोज भाई ने अपने घर में हमें पना और पना भी ऐसी कि आज तक हम उनके अनायात और एहसानात के तले हैं। उन्होंने हमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ हमारी खुशी चाही शहजाद। तो अगर उन्हें आज हमसे महम की खुशी मांग ली है तो हम एहसान फरामोश हो जाए? अपनी जात से निकलकर सोचोगे ना तो आंटी की शफकत और मोहब्बत तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि उन्होंने माहम और जावी से पहले हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा है। शहजाद, मैं नहीं दे पाऊंगी, मजबूर करोगे तो मैं यहां से भी चली जाऊंगी। मैं तो सोच रही थी आज रात तुम सुकून की नींद सोगे। अब शायद मैं कभी सुकून की नींद ना सो पाऊंगी। मैंने रजी भाभी से बात कर ली है। मैंने उनसे कहा है कि तुम्हें अपने किसी दोस्त की वजह से वापस जाना पड़ रहा है, इसलिए हम सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे, आप शॉपिंग मुकम्मल कर लें। ठीक कहती थी आप, अपनी मोहब्बत को सीने में दफन करके तो जिया जा सकता है, लेकिन खुद गर्ज बन के जिया नहीं जा सकता। मैं तुम्हारा कर्ज समझ सकती हूँ शहजाद, लेकिन मैं जानती हूं मेरा बेटा बहुत बहादुर है। क्या करूं अम्मी, इंसान हूं, भूल जाता हूं कि फरिश्तों में रह रहा हूं।